So the third caliph, behavior and consequences in this sermon, the Imam Ali. मेरी आवाज़ clear है? Can I have thumbs up? Because मेरा Bluetooth काम नहीं कर रहा. Imam Ali addresses the misconduct of the third caliph. जो तीसरे खलीफा थे उनका कंडक्ट अच्छा नहीं था इमाम अली से, तो इमाम बता रहे हैं उस बारे में. उमर इब्न अफ़ान एंड द इवेंट लीड्स टू हिज असैसिनेशन. Imam Ali describes how Uthman actions, particularly his reliance on untrustworthy advisor and his misuse of the wealth, led to widespread dissatisfaction. यहाँ एक अलग मैसेज दिया इमाम ने. इमाम कहते हैं कि बहुत दफ़ा इंसान के पास दौलत आ जाती है ऊपर वाले की तरफ से, और अगर उसका वो गलत यूज़ करना शुरू कर देता है तो उसका सबसे ज़्यादा नुकसान उसकी अपनी ज़ात पे होता है. जितना डिस्ट्रक्शन होता है उसकी फैमिली के लिए, उसकी इमेज के लिए. एक कहावत है, बड़े बूढ़े कहते हैं कि किसी को भी जानना है ना तो उसको कोई भी चीज़ ज़्यादा बढ़ा दो, उसका इल्म बढ़ा दो, वो मैग्नीफाई हो जाएगा. अगर वो दिल बड़ा वाला होगा तो वो इल्म देना शुरू कर देगा, अगर वो छोटे दिल का होगा वो इल्म छुपाना शुरू कर देगा, ऊपर वाला देना बंद कर देगा. किसी को बहुत ज़्यादा पैसा दे दो, वो खुल के सामने आ जाएगा, वो बांटना शुरू कर देगा, खुदा बढ़ाता रहेगा, वो बांटना ख़त्म कर देगा, रोड पे आ जाएगा. कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं? यस और नो. ये मैं नहीं कह रहा, ये खुदा बता रहा है अपना प्रिंसिपल. और आपने देखा होगा कुछ लोग, उनके दिल बड़े छोटे होते हैं, हमारे पर भी वैलिड होता है. कभी कभार हमारे भी अलग अलग मूड स्विंग्स होते हैं. हमारा दिल कभी बहुत बड़ा हो जाता है, कभी हम बहुत कंजूस हो जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पर सोचना शुरू कर देते हैं. आप कभी सोचना कि जब हम कंजूस हो जाते हैं तो इस चीज़ का ताल्लुक इससे नहीं है कि हमारी जेब में कितने पैसे हैं, आपका दिल कितना बड़ा है, दो अलग अलग चीज़ें. तो एक दफ़ा इमाम अली से किसी ने पूछा कि पैसे कैसे बनाया जाए, वेल्थ कैसे बनाई जाए, ये लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नाजुल बलागा में आगे आएगा. इतने लोगों को जानना ही है, ये आगे बढ़ते हैं, छोड़ो आप लोग सीनियर हो, आपको क्या वेल्थ शेल्थ बनानी है, कुछ और बात करते हैं. राइट, आप लोग सूफी लोग हो सारे के सारे, यू नो कैसे हाथ उठ रहे हैं ना. चलो वीडियोज ऑन करो, देखते हैं किस किस को वेल्थ बनानी है. जिस इसकी वीडियो ऑन होगी ना उसको मैसेज कर दूंगा, चलो देखते हैं. ये प्रीमियम मेंबर के लिए सर्विस अवेलेबल है, खाली बिजनेस क्लास वालों के लिए. ये जो पीछे पीछे बैठते हैं ना वीडियो के पीछे, उनके लिए नहीं है. हाँ, आना शुरू हो गई वीडियो, ज़बरदस्त. आ जाओ पैसे वाले, मेरे वेस्ट के लोग, सीनियर आ जाओ मैं कल दुबई में बात कर रहा था वो एजुकेशन बोर्ड से, तो मैं बता रहा था कि यार एक सीनियर का प्रोग्राम है. वो बोले थे यहाँ पे कुछ सीनियर्स के लिए कुछ कराया जाए. मैंने बोला मुझे बताओ, मुझे नहीं पता UAE की जमात के लिए क्या होता है. बट वो मैंने बोला वहाँ तो सीनियर्स माशाल्लाह, आप कभी आओ सेशन में. असल में यहाँ पे रात होती है, राइट, सो इट्स अबाउट 11:15. बोला यार इतनी लेट सेशन लेते हो आप. मैंने बोला वहाँ सुबह है, बट कभी उनको बुलाएंगे प्रेसिडेंट साहब वगैरह को. ठीक है, मैंने लिंक भेजा है. तो इमाम अली सेट के लोग, लिख लो इस बात को, लोग कंफ्यूज कर देते हैं खुदा का उसूल के पैसे बनाने के लिए मेहनत ज़रूरी है. फिर इमाम ने कोई एग्जाम्पल भी दी, मुझे याद नहीं है. अगर पैसे बनाने के लिए मेहनत ज़रूरी होती तो आज मज़दूर सबसे ज़्यादा अमीर आदमी होता. यस और नो. आज डोंकी सबसे ज़्यादा अमीर जानवर होता. उससे ज़्यादा कोई मेहनत करता है ना? अमीर है, दिखता है अमीर, मज़दूर अमीर दिखता है. अमेरिका में कौन है मज़दूर? मैक्स है, हिस्पैनिक्स. पाकिस्तान, इंडिया वगैरह, दुबई में कौन है? बेचारे पठान्स, मलबारीज, बांग्लादेशीज, बेचारे अमीर है. यस और नो. हमसे ज़्यादा काम करते हैं आप और मैं. तो हम तो मतलब यूथ को ले आओ, हमारा यूथ भी पत्थर नहीं उठा सकता. दे कैन नॉट डू दैट हार्ड वर्क दैट दीज गाइस कैन डू. यस और नो. कभी अपने घर की मूविंग खुद करके देखो ना, पता चल जाएगा कैपेसिटी क्या है. राइट, दो डब्बे के बाद बैठ जाओगे. राइट, सो दैट्स व्हाट वी आर. तो मेहनत से अमीर नहीं होता आदमी, तो किससे अमीर होता है? चलो लेट्स 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 टॉक. अब ये सीनियर्स की बात आ गई, शौकत भाई. ठीक है, किसी ने सुनी हुई ये बात तो अलग बात है, लेकिन अपना सजेशन देना. अभी तक आपकी 70, 80, 60, 50 साल की उम्र है, आपने क्या देखा आसपास से, क्या सोसाइटी से सीखा? यस, होशमंदी से और प्लानिंग के साथ अगर आप मेहनत करोगे इफेक्टिवली, जिसको बोले हम, तो एक वर्ड बोलो तो एक चीज देनी है. अच्छा, इफेक्टिवली अगर आप मेहनत करो, इफेक्टिवली मेहनत करो. ठीक है, गुड. अच्छा, जिसको पता है उसने जवाब नहीं देना, मानी ये पेनल्टी है. तो जिसको पता है वो हाथ नहीं उठाए. ठीक है, दुनियावी तौर पे देखते हैं. राइट, मतलब इर्द गिर्द देखो, जो अमीर लोग हैं, टॉप 10, टॉप 3 जो भी है, क्या ऐसा है कॉमन लगता है? नहीं है, बाहर की है, बहुत सेव करते हैं, कभी कभार कंजूसी में भी नाम बहुत आगे आता है, बट पैसे वाले होते हैं, उनके घर देखोगे ना आप तो 5 साल में 3 साल में पेड ऑफ हो जाएंगे, राइट? आपके घर 30 साल में पेड ऑफ हो रहे होते हैं, राइट? पर उनकी गाड़ियां आप देखोगे ना तो ऐसा लगेगा अरे कौन मजदूर है, कौन लेबर क्लास है जो गाड़ी चला रहा है। कभी कभार सारे घर के लोगों के पास गाड़ी भी नहीं होती, बर्थडेज में शायद केक भी इतना छोटा सा लेकर आएंगे, दिल बड़ा बिल्कुल भी नहीं है, राइट? बिल्कुल भी कंजूस, जैसे कहते हैं ना मेरे मुंह से कुछ निकलेगा कम्युनिटी का नाम, लेकिन आप लोग पहचान गए हम किसकी बात कर रहे हैं। पैसा होता है लेकिन वो पैसा इस्तेमाल कर नहीं सकते, राइट? क्या आप उसको अमीर बोलोगे? यस और नो, राइट? हमने लास्ट टाइम क्वालिटी ऑफ लाइफ की बुक पढ़ी थी, याद है? हमको लग रहा था क्वालिटी ऑफ लाइफ की बुक में होगा, अब दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, क्वालिटी ऑफ लाइफ की डेफिनेशन। हमको लगता है इमाम बोलता है क्वालिटी ऑफ लाइफ, शायद ब्रांडेड बहुत अमीर होने बोलता है, यूजिंग योर ब्लेसिंग्स इफेक्टिवली को बोलते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ। अच्छी हेल्थ होना क्वालिटी ऑफ लाइफ है, फैमिली साथ बैठ के, फ्रेंड साथ बैठ के खाना खा सके उसको क्वालिटी। ये नहीं बोलते हैं कि कौन सी बड़ी हिल्टन होटल के अंदर या हयात के अंदर या कहाँ पे बैठ के खाना खाते हो, राइट? चाहे ढाबे पे बैठ के खाना खाओ, बट दोस्त होने चाहिए, फैमिली होनी चाहिए जो साथ खड़ी हो। यस और नो, राइट? ओके, आगे चलते हैं। तो शायद वो लोग बहुत अच्छी सेविंग करते हैं, उनसे ज़्यादा कोई सेविंग नहीं करते हैं। साउथ इंडियंस एंड मारवाड़ीज, नाउ यू कुड रिजेंबल इट, राइट? बहुत सारे लोग हंस भी रहे हैं, देयर इज नो हार्म इन इट। वो खुद बोलते हैं मेरे बहुत अच्छे अच्छे बिलियनियर दोस्त हैं, बट आज वो कॉफ़ी नहीं पी सकते, बट उनके बच्चे एस्टन मार्टिन गाड़ियाँ चलाते हैं, राइट? और थोड़े टाइम बाद ख़त्म हो जाते हैं, तो वो भी एक हाइट है, ठीक है? ओके, लेट्स मूव। इमाम अली ने बोला, लिख लो, अच्छा ये मैं नहीं पूछता तो इतना जोर पैदा नहीं होता, राइट? तो ये बात तो कंफर्म है कि जो इमाम अली ने बोला वो सोल्यूशन होगा। कितने लोग इस बात पे ईमान रखते हैं? येस और नो? या बोलोगे नहीं यार 2024 में इमाम अली की बात वैलिड नहीं है, तो अलग सोच है, राइट? लेकिन ये मानते हो कि इल्मुल यकीन है कि मतलब ख़त्म, उनके बाद पत्थर की लकीर हो गया, राइट? सो इसका मतलब आज भी वैलिड है। इमाम अली ने कहा कि लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि पैसा कमाने के लिए मेहनत ज़रूरी है, पैसा सखावत से आता है। किससे आता है? सखावत से आता है, ठीक है? वापस से आता हूँ, बिल गेट्स, जब बिल गेट्स नहीं था तो उसको एक आदमी ने उधार पे पेपर दिया था न्यूज़पेपर का, क्योंकि बिल गेट्स नौकरी के लिए अप्लाई करता था, न्यूयॉर्क स्टेशन पे जाता था, बस के पैसे नहीं थे तो उसको जॉब देखने के लिए न्यूज़पेपर चाहिए होता था। तो वो एक न्यूज़पेपर वाला उसको कहता था चल फ्री में तो पढ़ ले, मेरा क्या जा रहा है, मैं तो बेच रहा हूँ, जब तेरी ट्रेन आए तो दे देना। चलता रहा चलता रहा चलता रहा, तो न्यूज़पेपर वाला भी गरीब है, बिल गेट्स भी गरीब है, दोनों गरीब, ठीक है? इससे शायद लोगों को जवाब मिल जाएगा यार हम सखावत तब करेंगे जब हम $1 मिलियन बना लेंगे, आज हम गरीब है, राइट? तो इसलिए बहुत सारे लोग सखावत करते ही नहीं है, राइट? बोलते हैं हम एलिजिबल नहीं है, इसलिए पैसा भी नहीं आता। तो उसको बिल गेट्स ने 17 साल बाद ढूंढा, जब वो बिल गेट्स बन गया, बिलियनर बन गया, दुनिया का टॉप रिचेस्ट पर्सन में आ गया नाम उसका, उसने एक टीम लगा दी, 7 साल बाद वो बंदा मिला, क्योंकि वो बूढ़ा हो गया था, बिल गेट्स में टाइम हो गया। तो बिल गेट्स ने उसको अपने उसमें बुलाया, शो में बुलाया, उसने बोला कि यार तू रिचेस्ट मैन है। बोला मैं कौन रिचेस्ट मैन हूँ और तुम इतने बड़े आदमी मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? उसने बोला याद कर मैं न्यूयॉर्क स्टैंड पे इतने साल पहले आता था, तू था, मेरे को देता था। बोलता हाँ, मुझे याद आया, मैं तो नेकी करके भूल गया था, मुझे याद भी नहीं है, तुम इतने बड़े बन गए? उसने बोला हाँ बहुत बड़ा बन गया हूँ। उसने बोला मैं तेरे को $10 मिलियन देता हूँ डॉलर, ठीक है? तू अपना बुढ़ापा सही से गुजार, तूने मेरे पे बहुत एहसान किया, तेरी जो नॉलेज थी उससे मैंने इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी न्यूज़पेपर पढ़ के, वरना मैं तो बस में जाता था, न्यूज़पेपर पढ़ना तो मेरी कैपेसिटी नहीं थी, तूने एहसान किया। तो उसने बंदे ने सवाल पूछा, उसने बोला क्या ये $10 मिलियन, अब 1 मिनट के लिए सोचो तुम वो न्यूज़पेपर वाले और बिल गेट्स ने तुम्हें बुलाया और तुमने गलती से नेकी कर दी बिल गेट्स के साथ और आज वो तुमको थैंक यू करना चाह रहा है, तुम लोग क्या करते हैं बता? पतली गली से $10 मिलियन बैग में डाल निकल ले फटाफट, 1 2 3 खिसक लो। यस और नो, राइट? हंसी आ रही है? दैट्स व्हाट यू डू। वो न्यूज़पेपर वाला भी स्मार्ट था, उसने बोला तुम्हें लगता है $10 मिलियन बहुत है? उसने बोला तू बता। बोला डोंट टेक मी, आई एम नॉट ग्रीडी, लेकिन मैंने उस वक्त सखावत की थी जब मेरे पास कुछ नहीं था, राइट? तू आज सखावत कर रहा है जब तू बिलियनर बन गया है, तो तू बड़ा है कि मैं बड़ा हूँ? तो बिल गेट्स ने आगे बोला तू बड़ा है। और बिल गेट्स ने बोला आज इस बंदे ने मुझे सखावत का लेसन सिखाया कि सखावत तब नहीं होती जब तुम बिल गेट्स बन जाओ, सखावत तब होती है जब तुम्हारे पास आधी रोटी होती है और तुम उसमें से आधी किसी को दे देते हो कि चल यार ये भी भूखे पेट नहीं सोएगा, मेरा भी कुछ ना कुछ हो जाएगा। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं? तो जब खुदा वो देख लेता है ना कि यार अरे इस बंदे के पास भी पूरे पैसे नहीं है, पूरी रिसोर्सेज नहीं है, चीज़ों में कमी है, और बंदा उसमें से निकाल के दूसरा वाकया, ठीक है। तो हम नाजुल बलागा का एक और सरमन आज पढ़ रहे हैं, लेकिन आज इंटरेस्ट आ गया, डॉलर डॉलर पैसा पैसा, सो लेट्स टॉक अबाउट इट। कौन से वाले नबी थे जो खुदा से बात करते थे, राइट? तो लोग बहुत सारी विश लिस्ट भेज दिया करते थे ना कि जाओ तो खुदा से मेरा ये लेकर आना, ये लेकर आना, ये लेकर आना, पूछ कर आना सब। तो नबी बोलते थे ठीक है यार मैं मैसेंजर हूँ, वैसे ही जा रहा हूँ, तू पूछूंगा। तो एक आदमी ने कहा कि यार मैं बहुत गरीब हूँ और मैं जो हूँ वो कभी भी पेट भर के नहीं खाया, कभी भी पेट भर के नहीं खाया, और अच्छा आदमी हूँ मैं, बुरा नहीं हूँ, बहुत गुनाह है मेरे बट मैं अच्छा हूँ, शायद खुदा मुझे पसंद करता हो, एटलीस्ट नहीं पसंद करता तो हेट तो नहीं करता होगा, ठीक है। तो खुदा से पूछना मसला क्या है, मेरे को क्यों पेट भर के खाना नहीं मिलता, मैं सब बातें पूरी करता हूँ। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे रेस करेंगे यार मेरी बात कर रहे हैं, मेरी बात कर रहे हैं, मेरी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो कहता है कि ठीक है, पैगम्बर बोलते हैं सब सही लग रहा है यार, पूछ लूंगा, बिल्कुल कोई तुम्हारी बात में कोई गलती तो है नहीं। तो जाते हैं पैगम्बर खुदा के पास से पूछ कर आते हैं। बोलते हैं खुदा ने तेरा रिस्क कम लिखा है, जो भी उसकी कैलकुलेशन है वो खुदा है, तेरा रिस्क कम है, तेरे को इतना देता है कि तू आखिरी वक्त तक भूखा नहीं। बोला एक काम करो, खुदा को बोलो खुदा तुम्हारी सुनेगा। बोला यार मेरे को हमेशा से पेट भर के खाने का शौक है, तू खुदा को बोल कि जितना भी रिस्क है ना मेरा एक दिन में दे दे, मैं एक दिन पेट भर के खा लूँ, फिर मैं शिकायत नहीं करूँगा भले भूखा मर जाए, ठीक है। तो एक दिन में दे दे खुदा को, जितने भी दिन चले, 2 दिन 4 दिन, जितना भी मेरा रिस्क है, मुझे नहीं पता, खुदा है बादशाह। बोलता सोच ले, हो गई, रिवर्स नहीं होगी। बोलता ठीक है रिवर्स नहीं करना, डन हो गया। जाता है खुदा को बोलता है, खुदा बोलता है विश ग्रांटेड, बोल कल से पेट भर के खाना मिलेगा, लेकिन शिकायत नहीं करना, तेरे से पूछ लिया था, मेरे नबी ने बोला पूछ लिया था, ठीक है। आगे जानना है क्या हुआ, कितने लोगों को जानना है, रेज योर हैंड्स। पेट भर के खाना खाया, सो गया, दूसरे दिन पेट भर के खाना खाया, सो गया, शायद 4 से 5 दिन उसने बोला था खुदा ने कि इसको खाना पेट भर के मिलेगा, क्योंकि जिंदगी का साथ मांग लिया खाना खा, जो भी साल बचे थे। अब वो नबी का कुछ 4-5 साल बाद वहाँ से गुजर हुआ। तो नबी ने देखा कि यार लाइनें लगी हुई है, 2-3 हज़ार लोगों का हुजूम खड़ा हुआ और खाना बट रहा है फ्री में, यू नो, देगे बट रही हैं, खाना मिल रहा है। तो नबी वहाँ से गुजरे आगे से, तो बोला कौन है ये रईस आदमी, कौन शेख है ये? बोला ये शेख वही है जो एक ज़माने में बहुत गरीब आदमी था और आपसे इसने रिक्वेस्ट की थी कि खुदा को बोल एक साथ दे दे खाना। कौन शेख है? सखावत की एग्जाम्पल, राइट? सो फॉर दोज हु से यार मेरे पास तो बहुत थोड़े पैसे हैं, थोड़े रिसोर्स हैं, मैं तो सीनियर हूँ, मेरी तो जॉब भी नहीं है, सिर्फ मैं कैसे किसी की मदद कर दूँ, यही सवाल आता है हमारे पास, यस और नो। मैं जब बहुत अमीर हो जाऊँगा, या सखावत उनका काम है जिनको खुदा ने बहुत दिया है, हम यही सोचते हैं ना, मैं तो जॉबलेस हूँ, रिटायर्ड हूँ, बच्चा हूँ, नन्ना हूँ, XYZ ABC, हम तो अपने आप को मतलब हम पतली के लिए ढूंढते हैं यार, हम कहाँ से निकल जाएं, क्यों ना हमारे ऊपर नहीं आ जाए टोपी, राइट? यस और नो, दैट्स व्हाट वी थिंक। तो उसने 4 दिन के रिस्क में से बोला यार खुदा ने मेरी सुन ली है, मैं ढूंढता हूँ कितने लोग आज भूखे सोए, मैं काम करता हूँ, मेरे को तो 4 दिन पेट भर के खाना मिला है ना, भले एक दिन का मिलता मैं 3 दिन का खाना बांट देता हूँ, ठीक है। मुझे जिंदगी भर भूखे गुजारनी है, 3 दिन और से। सोच क्या थी कि उसमें से किसी की मदद कर दूँ। अब 1 मिनट के लिए अपने आप को सोचो, एम्पावरमेंट का मतलब है वी इम्प्रूव आवरसेल्व्स। हमको अगर खुदा ऐसा बोल दे कि 4 दिन बाद बेटा खल्लास गेम ओवर, तो हम क्या करते हैं? हम तो बहुत बचाते हैं, हम तो बोलते हैं भाई नहीं भाई खुदा ले ले पूरी जिंदगी क्या करूँगा, 8 साल 20 साल। आज आप सीनियर हो, आपको 1 मिनट के लिए सोचना हो कि यार मेरी कितनी जिंदगी बाकी है, 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल, यू नेवर नो, राइट? बहुत सारे लोग शुरू में सोच रहे थे कंटिन्यू एजुकेशन क्यों सीखे, फिर पता चला लॉन्जिटिविटी अगर 100 तक जीना है तो ऐसे कैसे रहोगे, राइट? वेट करते हुए। तो उसने उसमें से बांटना शुरू कर दिया। खुदा ने बोला यार इस बंदे ने मेरे ही प्रिंसिपल से मुझे चेकमेट कर दिया। चेकमेट होता है ना चेस के अंदर, क्योंकि खुदा का एक दूसरा प्रिंसिपल ट्रिगर हो गया। ये खुदा ने बोला जब तू सखावत करेगा तो मैं रोक नहीं सकूंगा अपना हाथ, फिर मैं तेरे को देता रहूंगा देता रहूंगा देता रहूंगा देता रहूंगा देता रहूंगा। खुदा ने नबी को, मूसा को, जब फिरौन को मारना था ना तो उसको भी बोला था जाके इसका किचन बंद करा, ये गरीबों को खाना दबा के खिलाता है। जब तक दुश्मन है दीन का सबसे बड़ा, तेरा दुश्मन है, तेरे पीछे पड़ा हुआ है, मैं खुदा हो के उसको जब तक नहीं रोक पाऊंगा जब तक वो मेरा प्रिंसिपल यूज करता रहेगा। उसका किचन, उसकी नेकी रुकवा, पैगंबर को बोला उसकी जब नेकी रुकवाई खाना खिलाने की तब जाके गुर्बत आई, तब जाके सैलाब आया। मतलब खुदा पानी तक नहीं भेज रहा था उसको हटाने के लिए जब तक वो सबसे बदमाश आदमी था हिस्ट्री का। यस और नो, डू यू एग्री विद दैट? बट गरीबों को खाना फ्री में खिलाता था, तो खुदा देते जा रहा था देते जा रहा था देते जा रहा था। वैलिड हुआ। हमने कितनी एग्जाम्पल्स देखी, बिल गेट की देखी, आज के ज़माने का टाइकून, पुराने ज़माने का बॉस फिरौन, पैसे का परमार था। यस और नो? और छोटी सी एग्जाम्पल हमने देख ली, तो अब यकीन आ गया इस बात पे। वैलिड है इमाम अली का सजेशन, आज भी वैलिड है 2024 में। तो तुमको ये सोचना है कि तुम सखावत कैसे कर सकते हो। क्या खाली पैसा देना सखावत है? यस, समटाइम्स यस समटाइम्स नॉट। आज पैसे से ज़्यादा क्या ज़रूरी हो गया है? टाइम। हम टाइम नहीं दे पाते किसी को, और मतलब के बगैर टाइम बिल्कुल नहीं दे पाते। राइट, लेट्स एक्सेप्ट इट। हमारा अगर किसी से मतलब नहीं है तो हम किसी मतलब, एक मैं कल परसों बुक पढ़ रहा था उसमें लिखा हुआ था कि इफ समबडी इज काइंड विद यू ट्राई टू फाइंड देयर इज ऑलवेज अ रीजन बिहाइंड इट। सच बात है, इट्स वेरी ट्रू। राइट, लोग आपसे आज अच्छे से बात भी नहीं करते क्योंकि काम है आपसे। कल को आप देने वाला हाथ खत्म हो जाओ, कल आप लोगों का काम करना बंद कर दो, आपको बुलाएंगे भी नहीं। वेरी फ्यू पीपल जो बुलाएंगे, 90% ऐसे ही। हम भी ऐसे ही हैं। राइट, हम कोई बहुत अच्छी नई पीस नहीं आया दुनिया से। राइट, हम भी ऐसे ही। लेट्स एक्सेप्टेड। यस और नो? राइट, तो सखावत इज द वे। अब आप सोच लो आप सखावत कैसे कर सकते हो। टाइम दो लोगों को, वो भी सखावत है। मुस्कुरा दो, हजरत मोहम्मद ने बोला, वो भी सखावत है। किसी का दिन बन जाएगा, वो बेचारा बॉस से घर से लड़ झगड़ के जा रहा है, तुमने स्माइल कर दिया, उसने बोला यार मुझे देख के स्माइल किया, मेरे को तो दुनिया अपने घर वाले देख के स्माइल नहीं करते, मेरे को देख के स्माइल किया इसने, तो उसका दिन बन गया, वो खुश हो गया। राइट, तो यू नेवर नो कि तो सखावत बहुत तरीके से होती है। सखावत सलवात पढ़ के भी होती है। यू नो, आप सलामती भेज रहे हो दुनिया पे, मुश्किल पे। कोई पेशेंट हॉस्पिटल में बैठा है, उसकी दुआ करने वाला कोई नहीं है, आपने सलाद भेज दी, यू नेवर नो उसको जाके वो लग गई, उसकी ज़िंदगी अच्छी होगी, उसकी हेल्थ वेंटिलेटर पर पड़ा था, आपकी लग गई। तो कल को जब आप मुश्किल में फंस जाओगे, आपकी गाड़ी क्रैश होने वाली होगी गॉड फॉरबिड, तो हो सकता है किसी और के आगे आपको लग जाए। यू नो, दैट्स हाउ गॉड सेव्स ईच अदर, थ्रू ईच अदर। राइट, सो सखावत बहुत तरह की। सो थिंक अबाउट इट। हम लोग कभी जब ये टॉपिक आएगा ना सेरेमनी में तो डिस्कस करेंगे सखावत और कैसे हो सकती है। मज़ा आ रहा है? कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं या इस पॉइंट को कंटिन्यू करें? हम काफ़ी इसमें डीप घुस गए। ठीक है, चलो लेट्स कंटिन्यू दिस पॉइंट फॉर अ मिनट। ठीक है, उस वाले में रिप्लेस कर दें। तो 1 मिनट के लिए हम ले लेते हैं टाइप्स ऑफ सखावत। मतलब इमाम अली ने जो अमीर बनने का तरीका बताया ना, उसको डिकोड करते हैं। कितने लोग मेरे साथ हैं? कितने लोग चाहते हैं हाँ यार सिखाओ सिखाओ, ये सिखाओ, इस पे बात करनी है? रेज योर हैंड। डॉलर की बात होगी तो फिर हम थोड़ी पीछे हटेंगे। राइट, वी ऑल आर लाइक दैट। माशाल्लाह। एक सखावत हो गई, किसी को पैसे दे दिए। ठीक है, एक सखावत हो गई, किसी को राशन दिला दिया, किसी को मुश्किल में, कोई ट्रैवल में था। कभी कभार बहुत अमीर लोग भी फंस जाते हैं। यू नो, क्रेडिट कार्ड नहीं चल रहा, कहीं पे आप ग्रोसरी स्टोर में गए, कभी आपने देखा होगा कि आपके आगे कोई मदर है, सिंगल मदर, जो बच्चे के लिए कुछ ले रही थी, बिल ज़्यादा हो गया, उसने बोला ठीक काम करो कार्ड से 2 चीज़ें निकाल दो। क्या पॉसिबल है कि आप उसको बोलो नहीं तू नहीं निकाल, आई विल पे फॉर 2 आइटम्स? आपने $20 दे दिए, सखावत हो गई। यस और नो? राइट, हो सकता है कोई बहुत अमीर है बट कैश शॉर्ट हो गया, उसके लिए आपने कुछ आपको दिला दिया। ठीक है, और कैसे होती है सखावत? लेट्स टॉक अबाउट इट। मलिक मिठा। सो वी आर हियर राइटिंग डाउन। सबको नजर आ रहा है व्हाइट बोर्ड? यस रिच इक्वल्स टू सखावत। मेरा आवाज आता है? बिल्कुल जोरदार आ रहा है, जबरदस्त आ रहा है, बोलो। सबको याली मदद। पहले तो मैं इधर की रियल बात कर रही हूँ कि एक फैमिली थी, बहुत बड़ा बिजनेस था इसका, तो उसमें इसका दिवालिया निकल गया, कुछ भी नहीं बचा। तो आदमी के पास थोड़े से पैसे थे और बोला कि अभी मैं पाकिस्तान ही चला जाता हूँ, इधर एक फायदा नहीं है मेरा ना। तो टिकट ली और अमुक पैसे इसके पास थे। तो एक गरीब आदमी आया, बोले मेरे को तो कुछ हेल्प कर सकता है तो करेगा। तो बोले देख मेरे पास तो अभी कुछ भी नहीं है, बोले ये थोड़े पैसे है तू लेके न, इस तरह काम चलता है तो तू चला ले, बस इतना ही है मेरे पास और कुछ नहीं है, खाली टिकट है पाकिस्तान जाने की। तो वो बोले ये भी शुक्र है, इतना भी मेरे को काम आएगा ना। वो आदमी ने जो भी पैसे थे उसको दे दिया, बस पाकिस्तान जाने ही वाला था। तो अचानक इसको कॉल आई कि तेरी इधर है ना जॉब लग गई है। तो वो आदमी बोला कि भाई कैसे मेरे को जॉब मिलेगी, ये तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना गाड़ी है ना कुछ भी नहीं है। तो बोले वो सब हम लोग अरेंज कर लेंगे, तो कल से आ जा। वो आदमी फिर इतना पैसे वाला बना, जॉब मिली, फिर घर में हुआ, फिर बड़ी बड़ी गाड़ियां और जो भी हुआ। लेकिन इससे सखावत थोड़ी सी की तो मौला ने कितना इसको बरकत दे दिया। तो आदमी बोलता है बेटा सखावत कब की, जब खुद आईसीयू में बैठा हुआ था, पाकिस्तान आ रहा था, टिकट के पैसे नहीं थे, हो सकता है एयरपोर्ट पे जाता उतरता भूख लगती, रेंट कार के पैसे नहीं होते, घर नहीं पहुंच सकता, ये सब उसने नहीं सोचा। शायद बहुत सारे लोग बोल लूंगा यार बेवकूफ था, इतना ज्यादा ऊपर वाला मेहरबान होने को नहीं बोलता, यू शुड नॉट बी द इडियट। ये लॉजिकल ज्यादा जो लोग हैं ना वो यही सोचेंगे, दैट्स व्हाई दे आर मीडियोकर, राइट। बहुत ज्यादा लॉजिक आदमी को मीडियोकर बना देता है। चलो गुड। बट आपने देखा जो लोग दुनिया में बहुत ज्यादा तरक्की करते हैं ना वो क्रेजी होते हैं, इसीलिए बहुत तरक्की करने वाले लोग थोड़े से होते हैं। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं, येस और नो, राइट? क्योंकि 1 मिनट के लिए सोचो, इस पॉइंट पे आओ, उस बंदे पे आ जाओ पाकिस्तान जाने वाला, या उन तीनों सक्सेस वाली स्टोरीज पर आ जाओ जिसको आज आपका ब्रेन बोलता है नहीं यार आई एम नॉट दैट स्टूपिड कि मैं अपने आखिरी $1000 किसी को दे दूँ। हाँ मैं बोलूँगा चल बहुत सखावत है तू $10 ले ले, 990 मेरे लिए छोड़ दे, यस और नो, राइट? उसने जब टिकट के बाद पैसे किसी को दे दिए कि चल यार तेरी मुश्किल मुझसे बड़ी तू रख ले, तो उसने किस पे भरोसा करके दिया? शौकत भाई, उस बंदे की थॉट क्या होगी? नियत पर आ जाओ। खुदा बोलता है ना मैं नियत पकड़ता हूँ, नियत क्या होगी बंदे की? मैं समझता हूँ कि उसने जो है 2 बातें एक साथ जो है अपने जहन में डाली कि यार अगर मेरा ये पैसे देने से अगर इसका काम हो जाता है तो मुझे खुशी भी होगी, और मैं कुछ नहीं कर सका कम से कम ये तो कुछ कर लेगा। और दूसरा उसका हो सकता है ये एस्पेक्ट हो या ना हो इसके जहन में, लेकिन खुदा जो है ना जहन के अंदर कुछ एक थर्ड की जो भी है एक इंटेलिजेंट होती है, तो वो जो है वो खुदा जो है ना खुद इसको जो है वो करवाता है। मेरा तो अपना ओपिनियन अपना जो है ये हमेशा ये रह गया कि जो भी कुछ करता है ना वो ऊपर वाला ही कराता है, अपने से हमारे को क्रेडिट देता है कि हाँ शौकत तूने ये किया, तूने क्या, मैं कुछ नहीं करा, ये सब वही करता है। गुड गुड, खुदा करवाता है। एक चीज और इसके पीछे शायद हो कि जब वो पैसे दे रहा था और 99% लोग उस पोजीशन में नहीं देते पैसे, उल्टा उसको और भगा के भगा दिया, छोड़ यार भाग जाए यहाँ से, मैं खुद ऑलरेडी तंग हुआ हूँ दुनिया से, तू मेरे पास पैसे लेने आगे भाग जाए यहाँ से, राइट? यस और नो, राइट? कभी कभी आप बहुत मुश्किल में होते हो और आपके पास सामने हेल्प के लिए आ जाए, आप खुदा पे भी ब्लेम करते हो, बोलते मेरे पास भेज रहा है, मेरे को हेल्पलेस करके मेरे पास भेज रहा है, यस और नो? कितने लोग खुदा से उस वक्त लड़ाई शुरू कर देते हैं, ऑनेस्टली कितने लोग उसको दुत्कार देते हैं, जा यहाँ से भाग जा, यस और नो? कमजोर आदमी है, कमजोर आदमी पे सब गुस्सा हो जाते हैं, यस और नो? अब इस जगह तुम्हारा बॉस होता तो तुम्हारा सारा गुस्सा नीचे हो जाता, यस और नो? जितना भी गुस्सा हो रहा है उस बंदे ने जब पैसे दिए ना, शायद ये मेरी सोच है, हो सकता है मैं भी रॉन्ग, उसकी नीयत ये भी हो कि चल मेरे साथ तो खुदा है संभालने वाला, तू ये पैसे ले ले तुझे काम नहीं, क्योंकि कोई भी आदमी अपनी आखिरी अमाउंट किसी को नहीं दे सकता जब तक उसको ये 100% भरोसा नहीं हो कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं? तो जो उसके पीछे खड़ा है, जिस पे उसका भरोसा है, उसने क्या किया, $1000 की नोट लेके चैलेंज दे दिया कि तू मेरे पीछे खड़ा है। मैंने उसको दे दिया $1000, अब तू बता दे तू खड़ा है कि नहीं है, मैंने तो तेरे पे भरोसा किया, तू अपनी कैपेसिटी शो कर दे। तो उसने खुदा को सर्कल में लाके फंसा दिया। यस और नो? और खुदा की एक और सिफ्त है कि खुदा कहता है मेरे पे जो अंधा यकीन कर लेता है, आंख बंद करके यकीन कर लेता है, मैं उसके लिए दुनिया हिला डालता हूँ। शाहरुख खान ने बोला ना, कलो नाम, जिस चीज़ को तुम शिद्दत से चाहो या जो चीज़ यूनिवर्स लग जाती है उसको तुमसे मिलाने के लिए। यस और नो? ये शाहरुख खान का डायलॉग ज़रूर है कल होना होगा, लेकिन ये प्रिंसिपल है आइंस्टाइन का। आइंस्टाइन बोल के गया था, फिजिसिस्ट था बहुत बड़ा, कि दुनिया की एनर्जी कभी कभार सब मिल जाती है एक काम करने के लिए, और वो सारी एनर्जी क्यों मिल जाती है, आइंस्टाइन कहता है मुझे आज तक उसका जवाब नहीं मिला। खुदा उसका जवाब कुरान में देता है। खुदा कहता है कि जब मैं बोलता हूँ हो जा, तो दुनिया की सारी चीज़ें लग जाती है हो जा को बनाने के लिए। पढ़ा है हमने, कौन सी आयत है, कुन फयकुन। यस और नो? तो बहुत दफ़ा आपने देखा है कि एक आदमी बीमार है, बिस्तर पर है, तस्बीहात चल रही है, लोग उसके लिए पुकार रहे हैं, उसके लिए सदका दे रहे हैं, भले अच्छा आदमी है बुरा आदमी है हमको नहीं पता, लेकिन कभी कभार मौत से होता है। और वो आदमी उठ के खड़ा होता है और वो खुद बोलता है कि मौतजा हुआ, उसके घर वाले बोलते कैसे मौतजा हो गया, और कभी कभार बेचारा सीधे सीधा आदमी चला जाता है जिसके लिए यकीन नहीं आता, वो भी मौतजा होता है। हमें नहीं पता खुदा ने उसको किस मुश्किल से बचा लिया, आसानी से भेज दिया। राइट? तो मौतजा करने के लिए एक सखावत ये भी है कि आँख बंद करके भरोसा खुदा पर। राइट? वो बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि इंसान के ब्रेन के दो हिस्से हैं ना, एक राइट ब्रेन है और एक लेफ्ट ब्रेन है। अच्छा, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जो बिजनेसमैन होते हैं ना, मीडियोकर वाले, वो ट्रस्ट द गॉड बट लॉक योर कार करते हैं कि पैसा लगाएंगे सेफ्टी के साथ। आज इमाम भी बोलते हैं प्रूडेंटली लगाओ पैसा, बिल्कुल इमाम रिस्क लेने को नहीं बोलता। लेकिन जो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, जिनके साथ शायद आपने काम किया, वो जब कोई चीज़ पे पैसा लगा देते हैं ना, जब उनका दिल बोल देता है, लॉजिक नहीं, दिल बोल देता है कि लगा दो, तो वो फुल इन हो जाता है। और वो सिचुएशन होती है, एलॉन मस्क को ले लो, ठीक है, नासा ने बोला कि यार एक रॉकेट नीचे से ऊपर जाता है, एलॉन मस्क ने बोला ऐसा रॉकेट है कोई जो ऊपर से नीचे आता है। नासा ने बोला तुम कौन है, कोई साइंटिस्ट है, कोई नासा से पढ़ा है, कोई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा है? बोला नहीं, बोला भाग जा, ऐसा हो ही नहीं सकता। आज एलॉन मस्क ने स्पेस एक्स में बना के दिखा दिया, नासा बोल रहा है कैसे बनाया, बोला तू भाग जा, किया ना। राइट? तो दुनिया ने आज मान लिया, आज दुनिया बोलते वाह एलॉन मस्क। बिकॉज अंधा यकीन रखा ना, जिस पे भी रखा, खुदा बोला, यूनिवर्स बोला, उसके दिल में बात आई, उसने बोला मैं तो जा रहा हूँ बाबू, खलास गेम ओवर। राइट? तो वो लोग जो ऐसे होते हैं ना, थोड़े से खिसके हुए होते हैं, यू नो, कि मैं तो कर लूँगा चाहे दुनिया बोले नहीं बोले, मेरे को बचाने वाला बैठा है, मैं उसको पैसे दे दूँगा, मेरे को संभालने वाला बैठा है, मैं भले मेरा दुश्मन है उसकी जाके मदद करूँगा क्योंकि मैं जिसके लिए जा रहा हूँ। तो इमाम अली ने कहा कि वो लोगों पर ऊपर वाला बरसात शुरू कर देता है। दैट्स ऑल्सो सखावत। तो सखावत सिर्फ पैसे से नहीं होती, सखावत कभी कभार आपकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग से होती है। कभी कभार आप बैठे हो और आप बोलो कि यार देखो इस्लाम में क्या है, दो तीन चीज़ें, कि आप बुरा होते हुए देख रहे हो, किसी के साथ जुल्म होता हुआ देख रहे हो, रोक लो जाके, ठीक है, क्रॉस। आप नहीं रोक सकते, आप किसी और को मदद के लिए बुला लो, एटलीस्ट उसको बचाने की कोशिश करो, छोटी हेल्प लेकिन कुछ ना कुछ। आप कुछ भी नहीं कर सकते, बिल्कुल वीक हो, उसको दिल में बुरा मानो, सबसे छोटा क्रॉस, लेकिन कुछ ना कुछ एफर्ट्स करो। हम लोग क्या करते हैं, हम एफर्ट्स ही नहीं करते हैं, क्योंकि हम बड़े मटेरियल हो गए। हम कहते हैं यार उसके साथ हुआ है ना, मैं तो सेफ हूँ ना, अपनी गर्दन बचाओ और निकल जाओ। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं? यस और नो? आज यूएस में भी हो रहा है, छोटे मुल्कों में भी हो रहा है, इसलिए लोग एक्सीडेंट में पड़े हुए सड़कों पे मर जाते हैं, कोई लेने भी नहीं आता, कोई करने भी नहीं आता। नॉर्थ अमेरिका की अलग बात है, दुनिया नॉर्थ अमेरिका इज़ जस्ट 5% ऑफ द होल वर्ल्ड, दुनिया में आज यही हो रहा है। येस और नो, राइट। और नॉर्थ अमेरिका में हम रहते हैं, हम ज़्यादा ब्रूटल है, हम ज़्यादा सेल्फिश है, हम ज़्यादा मीन है, बिकॉज हम लोग ज़्यादा मटीरियलाइज हैं, हम किसी से बात भी नहीं करते अक्सर अगर हमारा काम वो नहीं कर सकता। लेट्स एक्सेप्ट इट, यस और नो, राइट। तो ये चीज़ें सारी सखावत के प्रिंसिपल के अगेंस्ट हैं। क्यों? क्योंकि खुदा तो कहता ही है। अब सखावत कहाँ कहाँ होती है, लेट्स टॉक अबाउट इट। गुलशन, तो एक तो ये एंगल हो गया। अब आप देखो, आपने देखा होगा ये किस किस तरह के रोबोट्स आ रहे हैं, देख लिए सबने जो लेटेस्ट रोबोट्स हैं। अभी जाइटेक्स करके दुबई में सबसे बड़ा रोबोटिक एग्जीबिशन था, उसमें 4 तरह के रोबोट्स देखे हमने। एक, क्योंकि दुबई है तो वो फीमेल जो अरब्स होती हैं वो नकाब पहनती हैं, राइट, सो देयर मोस्ट ऑफ द रिचेस्ट वुमेन्स हियर। तो उसने उस तरह की एक प्रिटी फेस वाली टीचर बना ली जो कि टीच कर रही है, बच्चों से बात कर रही है, बच्चों को ग्रैंड नैनी का काम कर रही है, राइट। अब एलॉन मस्क और विल स्मिथ जो बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है, उसमें लड़ाई होगी। विल स्मिथ ने कहा कि तुम बहुत बुरा कर रहे हो, तुम हर तरह का रोबोट बना रहे हो, दुनिया में मिलियंस ऑफ लोग ऑलरेडी जॉबलेस हैं, तुम्हें नहीं पता तुम्हारे और रोबोट्स बनाने से तुम तो अमीर हो जाओगे बट जिन जो बचे कुछ है उनकी भी जॉब चली जाएगी। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं, येस और नो। विल स्मिथ बहुत बड़ा टॉप 5 में आता है हॉलीवुड का स्टार, ठीक है, वो अलग बात है, वो कल को खुद रोबोट खरीदेगा उससे, लेकिन आज तो वो ये कह रहा है। तो आज सबसे बड़ा मसला ये हो गया है, और मैं कोई डॉक्यूमेंट नहीं करूँगा बट लोगों के लिए पैसे कमाना मुश्किल हो गया है, राइट। तो इमाम बोल रहा है नॉलेज के ज़रिए सखावत करो। अभी जो बोला ना मुनीरा ने, कोई बिजनेसमैन तो तुम लकी हो, 99% दुनिया को ये टेक्निक नहीं पता। कितने लोग इस बात से एग्री करते हो, येस और नो। तो आज हमने रिच होने की जब बात की तो तुम सब ने अलग अलग रीजन दी, यू ऑल केम आउट विद समथिंग एल्स, बट एक रीज़न ऐसा सॉलिड मिल गया विद द इंडोर्समेंट ऑफ इमाम अली के खलास। इसके बाद हाइट है, पैसे कमाना है, रिच बनना है, ये तरीका है। तो आज जाके लिख लेना सखावत और सोचना कि यार मैं अपनी कैपेसिटी में क्या सखावत कर सकता हूँ। नॉलेज इमाम ने बोल दिया। कल तक तुम शायद सोचते यार मेरे लिए नहीं बोला, यंगस्टर्स के लिए बोला है, मैं तो सीनियर हूँ, मैं क्या नॉलेज दूँ। अरे तो तुमको अपना हिस्सा नहीं डालना है, यू डोंट वांट टू बी रिच, तो सोचो नॉलेज क्या दे सकते हो, राइट। ये जो नॉलेज ले रहे हो एवरी संडे को, थर्सडे को, कितने 2 साल से ले रहे हो, ये भी तो ऊपर वाले ने ब्लेसिंग दी है ना, इस क्लास का पार्ट बनाया मुझे ब्लेसिंग दी कि मुझे ये मौका दिया काम करने का और समझाया उसने। हो सकता है आज इतनी डिप्रेशन है, तुम लोग ये उन 10 लोगों तक नॉलेज पहुंचा दो, उनको मोटिवेट कर दो, किसी को टाइम दे दो थोड़ा सा, किसी दूसरे पुराने दोस्त को जो तुम्हारा कभी दोस्त था, आज 100 नंबर्स हैं लेकिन मे बी यू डोंट टॉक टू देम, अभी फ़ोन करके पूछ लो। फ़ोन करके 10 मिनट बात करने में पता चल जाएगा फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, हेल्थ की प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप ख़त्म है, दुनिया में अकेला हो गया बंदा, अलग अलग चीज़ें, राइट। उससे बात करके हो सकता है यू कुड बी अ मोटिवेशनल कोच टू दैट पर्सन। तुमने तो उसकी दुनिया बदल दी ना, वो बिल्कुल डार्कनेस पे करते हैं। एंड एज आई एंटर्ड इनटू दिस अरीना, मैंने सोचा कि कोई ऐसा काम किया जाए, ये मैं कमर्शियल बात बता रहा हूँ, कि जिससे पैसे बने और मैं सेवा कर सकूँ, यू नो, साइड पर आके, बिकॉज इफ आई यूज टू डू जॉब्स फॉर फॉर्चून कंपनीज में खिदमत नहीं कर सकता जैसे आज मैं कर रहा हूँ अलहमदिल्ला। तो ये स्किल के लिए मैंने बहुत पैसे लगाए, बहुत लॉसेस किए, एंड अदरवाइज अ टाइम के ऊपर और मैंने ब्लेस किया, ठीक है। फिर मैंने बहुत बड़े बड़े पेड मेंटोर्स लिए, ट्रस्ट में कोई नहीं सिखाता। जब मुझे ये चीज़ पता चली ना नॉलेज वाली, मैंने कहा नहीं यार ये चीज़ तो मैं नहीं सिखा सकता, ये तो मैंने बहुत पैसे लगा के बहुत लॉसेस करके हासिल किया, राइट। मैं अपनी बता रहा हूँ बात, मैं आपको बोलूँ उससे पहले मैं अपना बताऊँ ना, ठीक है। मुझे एक दिन ख्याल आया कि नहीं यार ये मतलब कोई एक चीज़ आ गई, कोटेशन आ गया, खुदा ने कहा है उसमें, राइट, कुरान में, कि इंसान ख़त्म हो जाता है, इंसान की लिमिट अनलिमिटेड नहीं है, देयर इज़ एन एंड टू एनी ह्यूमन बीइंग, एनी नॉलेज। लेकिन अगर वो नॉलेज तुम खुदा को डिपॉजिट कर दो तो वो नॉलेज हमेशा के लिए रहेगी और वो बढ़ना शुरू हो जाएगी, राइट, कुरान की आयत है। मैंने सोचा यार इसको टेस्ट करना है, ठीक है। तो मैंने सोचा कि यार इतनी कोशिशें की हैं इन बच्चों को सिखाने की, और मेरे साथ बहुत सारे और हैं बेचारे लोग पीछे टीम में, जो कोई कंटिन्यूइंग एजुकेशन सिखा रहा है, कोई आईटी सिखा रहा है, कोई हेल्थ केयर सिखा रहा है, लेकिन अब अफगानिस्तान में बच्चा पहाड़ पे चोटी पे बैठा हुआ क्या सीखेगा, कहाँ जाके जॉब करेगा, राइट। मैं ये सोचता हूँ, लेकिन हम कोशिश करते हैं क्योंकि इमाम ने बोला कंटिन्यूइंग एजुकेशन। ताजिकिस्तान में सेम इशू है, पाकिस्तान की पहाड़ों पे सेम इशू है। तो मैंने उस दिन हिम्मत की ऊपर वाले से दुआ करके कि यार ट्रेडिंग सिखाते हैं इनको। अब ट्रेडिंग के लिए मैं बहुत मीन हूँ क्योंकि मैंने बहुत लॉसेस खाए, मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों से पैसे दे के, वॉल स्ट्रीट वाले लोगों से तक पैसे दे के सीखा है ये स्किल, ये मैं कैसे फ्री में सिखा दूँ। तो मेरे लिए भी चैलेंज आ गया ना जो मैं आज आपको सिखा रहा हूँ, राइट। मोटिवेशन की बुक सिखाना और एक स्पेशलाइज स्किल सिखाना। तो मैंने हिम्मत करी और सिखाना शुरू किया। आप यकीन नहीं करोगे, उनको सिखाना जो मैंने 7 साल में नहीं सीखा वो मैंने 7 दिन में सीखा। जब मैं सिखाने के लिए बैठा उस बच्चे को जो मुझे कुछ नहीं दे सकता, और मुझे ये डर था कि यार इसने भी पैसे बना लिए तो इसने भी बना लिए तो ये चीज़ कॉमन हो, जो हमें डर होता है, राइट। आप यकीन नहीं करोगे 7 दिन में जो मेरे लॉसेस थे वो कवर हो गए, जो मेरी स्किल थी वो 3 गुना बढ़ गई, जो चीज़ों के जवाब मुझे हर फील्ड में हर बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम्स होती है उनके जवाब मुझे मिलना शुरू हो गए। और मैंने कहा यार ये क्या मैजिक हो रहा है। तो मैं ये बता रहा हूँ ये वाकई मैजिक है। तो जब इमाम बोलता है ना नॉलेज दो, मतलब मैं इसका विटनेस हूँ। किसी को बुक पढ़ के मोटिवेशन देना क्या है, अच्छी बात करना है, अच्छी बात कर रहा हूँ, आप भी सीख रहे हो मैं भी, लेकिन ये तो क्लोज टू हार्ट होता है। आदमी बोले यार मैंने इतने गैस स्टेशन बनाए, 100 बना दिए, मैं किसी को क्यों सिखा दूँ, कल मेरे पास खड़ा हो जाएगा। इमाम बोलता है सिखाओ, राइट। तो मैं भी उस विंडो में आ गया ना कि मैं अपना स्किल क्यों सिखाओ। फ्री की बात करना अलग बात है, पैसे की बात अलग है, सिखा के तो देखो। ऊपर वाले ने बोला है खाली इसलिए करके देखो, मैंने किया, ट्रस्ट में। उसने सीखा नहीं सीखा वो उसका कर्मा, मेरे को ऊपर वाले ने 100 गुना सिखा दिया, शुक्र अल्लाह, राइट। सो ये करके देखना, राइट। अपनी लाइफ में जो भी आता है ना, ये नहीं सोचना कि यार चला जाएगा और बढ़ जाएगा, ये ऊपर वाले ने बोला है ऊपर वाला ही संभालेगा। और ये वही बात आ गई जो मलिक मिट्ठा ने कही कि यार मैं $1000 लेके जा रहा हूँ लेकिन चल तू ले ले। तो मैंने भरोसा जिस पे किया है वो पीछे खड़ा हो गया आके, वो नहीं गिरने देगा। हाँ परवीन, ये बिल्कुल सही बात है क्योंकि मैं खुद भी एक RSC टीचर हूँ, और आप यकीन नहीं करोगे कि जब मैं टॉपिक लेके जाती हूँ और सिखाने के लिए मेरे मुंह से जो अल्फाज निकलते हैं मुझे लगता है मैं तो नहीं बोल रही हूँ, मैं नहीं बोल रही हूँ, मैंने सोचा भी नहीं था ये इस तरह से अमेजिंगली वो मतलब इम्प्लीमेंट होती है वो चीज़ के। बस मैं कुछ कह नहीं सकती इसके बारे में, उसकी कुदरत है जो हमारी जो नीयत होती है ना कि हम आने वाली जनरेशन को वो चीज़ दें जो शायद पता नहीं कोई दे सकेगा या नहीं, लेकिन एज ए टीचर मुझे वो चीज़ देनी चाहिए, मुझे उन लोगों को फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, रिलीजन को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। तो बस वो मेरी नीयत होती है, वो नीयत मुझे काम करती है बस। यहाँ से एक पॉइंट और ऐड करता हूँ, थैंक यू परवीन फॉर दैट। ये इमाम का वन ऑफ द रीसेंट स्पीच है, फरमान नहीं है स्पीच है, क्योंकि इमाम जाते हैं स्पीचेस देते हैं, राइट। तो स्पीचेस सबके लिए होती है। ये पता नहीं कहाँ की स्पीच है, शायद हार्वर्ड में बोली इमाम ने, कहाँ बोली मुझे मिलेगी, लेकिन इमाम ने कहा कि आज मैं जो है मुबारकबादी देता हूँ या कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ उन सबको जो बड़े छोटे मीडियोकर टीचर्स हैं, क्योंकि तुमको नहीं पता तुम जो इम्पैक्ट डाल रहे हो दुनिया में, जो भी सब्जेक्ट है तुम्हारा, अगर ये इम्पैक्ट आज कोई कैलकुलेट कर सकता, तुमको लगता होगा यार मैं 10 बच्चे पढ़ा रहा हूँ क्या होगा, कल भूल जाएंगे जाके, राइट। 5 बच्चे पढ़ा रहा हूँ, 500 पढ़ा रहा हूँ, तुमको नहीं पता तुम्हारा इम्पैक्ट उस बिजनेस टाइकून से भी ज़्यादा है जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट कंपनी चला रहा है। अगर उसको तुम्हारा इम्पैक्ट पता चल जाए ना तो वो शर्मिंदा हो जाएगा, ये इमाम के वर्ड है, राइट। सो अगर हम टीचर बन जाते हैं, कुरान का पहला अल्फाज क्या है, इकरा, पढ़। पढ़ के दोनों मतलब है, अपने लिए भी पढ़ और दूसरे के लिए भी पढ़। तो जब कोई चीज़ मास्टर, तो आज मेरे ख्याल से आप लोग सब सीनियर एक चीज़ कर सकते हो। अगर मेरे साथ 100 लोगों की टीम है ना, और 20-30 लोग रेगुलर हैं, तो एटलीस्ट 30 लोगों से तो मैं कहूँगा कि ये अपना लाइफ का एक पर्पस बना लो, नॉट टू अर्न मनी बट बिकम द एजुकेटर टू मेक अ डिफरेंस। नाउ दैट कुड बी आप अच्छे बिजनेसमैन रहे हो, लोगों को बिजनेस से खाना शुरू कर दो, कुछ नहीं, दो लोग हैं ना मसले में, किसी एक मसले वाले को मिला दो एक अच्छे बिजनेसमैन से, बोले यार इसको थोड़ा सा 5 मिनट से बात कर लेगा, आपने क्या किया, ब्रिज कर दिया, नॉलेज दे के किसी को कनेक्ट करा दिया, ठीक है, वो बन जाओ। आप बहुत अच्छा बोल सकते हो, ठीक है, आप पॉजिटिव थिंकर बन जाओ, आप किसी के लिए आपको लगे ना कोई डिप्रेशन में दोस्त है, उसके साथ थोड़ा सा टाइम देना शुरू कर दो, उसकी लाइफ सेट हो जाए, ख़त्म, आउट, कोई और बकरा पकड़ लो, बकरा इन द सेंस स्टूडेंट पकड़ लो, क्योंकि आप उसको सेल्फिश होकर सिखा रहे हो कि यार मैं तेरे को इसलिए सिखा रहा हूँ कि मुझे खुदा ने प्रॉमिस किया है कि मेरे को रिच बनना है, चाहे नॉलेज में चाहे पैसे में, मैं तेरे को सिखाऊंगा तो मैं रिच बन सकता हूँ, तो सेल्फिश होके सिखा लो। सेल्फलेस होके सिखाओगे तो खुदा मल्टीप्लाई बाय 10x और कर देगा, राइट। तो वो लोग जो आज पैसा देखना चाह रहे हैं, जितना भी पैसा है थोड़ा सा है, थोड़ा सा दे के देखो, शायद आना तेज हो जाए, ठीक है, नॉलेज दे के देखो, मुस्कुराहट दे के देखो, टाइम दे के देखो। अब मैं बहुत सारी बातें बोलूँगा ना तो मैं वो यूट्यूबर लगूंगा, मैं यूट्यूबर नहीं हूँ भाई, मैं भागता हूँ, लेकिन मैं प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ इमाम अली के। तो जो आज हमने सेरेमन ख़त्म किया है उसमें एक सीक्रेट बताया इमाम ने, हाउ टू बिकम रिच, और ये हमने बहुत सारी कॉर्पोरेट अमेरिका की बुक से पढ़ा है, किसी ने भी ये सीक्रेट नहीं बताया। किसी ने टाइम मैनेजमेंट बताया, किसी ने हाई एजुकेशन बताया, किसी ने क्या बताया। डू यू ऑल अग्री विद द पॉइंट, यस और नो? देखो सखावत करने से शौकत भाई भी 1 से 2 हो गए, ऊपर 1 आ रहा है, नीचे 1 आ रहा है, राइट। तो सखावत का ये पावर है, मल्टीप्लाई बाय 2 हो गए। थैंक यू शौकत भाई, आपने तो लाइव एग्जाम्पल दे दिया यार, डबल डबल 2-2 शौकत भाई, तालियां बजा दो शौकत भाई के लिए। थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।